नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन और आप देख रहे हैं एपीएन। और रुक करते हैं एपीएन सुपरफास्ट का। पूरे उत्तर भारत में ठंड, अब सर्दी में लोगों को कंपकपाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार का दिन दिसंबर के महीने का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। तीन दिन से लगातार छा रहे कोहरे ने वाहनों की गति पर लगाया ब्रेक। सड़कों पर गाड़ियां रेंगकर चल रही हैं। वहीं ठंड में स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही खासी परेशानी। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का ले रहे हैं सहारा। सुबह घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी नीचे गिर गई। ट्रेन और रेल सेवाएं घने कोहरे के चलते बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। दिल्ली से जाने वाली भी कई ट्रेनों का समय असर पड़ा है। कोहरे के कहर पर कहर से ट्रेन यातायात काफी प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से रेल सफर करने वालों और लोगों के लिए सफर ठहर सा गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ठंड से लोग बेहाल हैं। लगातार कोहरे से लोग परेशान थे, लेकिन आज सर्द हवाओं की वजह से तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को ठंड से बचने के लिए लाभ का सहारा लेना पड़ रहा है। ठंड की वजह से सड़कें भी सूनी दिख रही हैं। नोटबंदी के देश भर में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैसे की लिमिट होने पर लोग हर दिन बैंक पर पैसे लेने पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ अगले दिन का इंतजार करते हैं। अगर आपको भी बैंक से पैसा निकालना है तो या फिर जमा करना है या फिर कोई और काम है तो फिर अब आपको 13 दिसंबर यानी कि आज से तीन दिन बाद का इंतजार करना पड़ेगा। आप बैंक सीधे मंगलवार को खुलेंगे। दरअसल आज दूसरा शनिवार है, इसलिए बैंक की छुट्टी रहेगी। कल रविवार है और 12 दिसंबर को ईद मिलाद का त्यौहार है। इस तरह बैंक 10, 11, 12 दिसंबर को छुट्टी पर है। रेलवे काउंटर, मेट्रो रेल और सरकारी बसों में 500 रुपए के पुराने नोट रात 12 बजे के बाद चलना बंद हो गए हैं। पहले इन जगहों पर पुराने 500 के नोट के इस्तेमाल की तारीख 15 दिसंबर तक थी, जिसे घटाकर 9 दिसंबर कर दिया गया है। सरकारी अस्पताल, फार्मेसी, सहकारी भंडार से 5000 रुपए तक का सामान, मिल्क बूथ, शमशान घाट, कब्रिस्तान, एलपीजी सिलेंडर, स्मारकों के टिकट 500 के पुराने नोट से लिए जा सकते हैं। स्थानीय निकायों के बिल, जुर्माना, घर का बिजली पानी का बिल, कोर्ट फीस, सरकारी दुकानों से 20, सरकारी स्कूलों की 2000 रुपए तक की फीस, सरकारी कॉलेजेस की फीस 500 रुपए तक का प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, टोल प्लाजा पर पुराने 500 के नोट स्वीकार किए जाएंगे। अखिलेश यादव ने एक और ऐसे व्यक्ति को अपनी सरकार में वापस ले लिया है जिसके उनके चाचा और राज्य में पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव पसंद नहीं करते। अखिलेश ने एसपी लीडर जावेद आब्दी को सिंचाई विभाग में सलाहकार नियुक्त कर दिया है। हम आपको बता दें कि पार्टी के रजत जयंती समारोह में शिवपाल यादव ने धक्का देकर मंच से हटा दिया था आब्दी को, और आब्दी की राज्य मंत्री स्तर के पद पर नियुक्ति से भी ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से अखिलेश और शिवपाल के बीच तल्खी बढ़ सकती है। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव आज वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान दो शहीद समेत 8 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री का वीरता पदक पुरस्कार देंगे। वहीं 22 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री का प्रशस्ति पत्र भी अखिलेश यादव देंगे। ये दोनों पुरस्कार पहली बार दिए जाएंगे। गोरखपुर से आनंद विहार के बीच अगले हफ्ते से चलने वाली पहली पूर्णतया थर्ड एसी हमसफर ट्रेन की साज सज्जा और सुविधाएं दूसरी ट्रेनों से बेहतर हैं, लिहाजा इसका किराया भी राजधानी शताब्दी दुरंतों की तरह डायनामिक फेयर प्रणाली पर आधारित और अधिक होगा। भविष्य में 8 अन्य रूटों पर भी हमसफर ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने शुक्रवार को सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर हमसफर की पहली रेक का मुआयना किया। खादी को बढ़ावा देने के लिए इसमें लिनन के तौर पर खादी की चादर और कवर्स आदि की आपूर्ति की जाएगी। यही नहीं इसके हर केबिन में कचरे के लिए डस्टबिन का इंतजाम किया गया है। बॉटल होल्डर्स का डिजाइन भी बेहतर है। हम सफर के हर कोच में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरास तथा फायर एंड स्मोक डिटेक्शन और सेपरेशन सिस्टम के साथ साथ जीपीएस आधारित पैसेंजर इन्फॉर्मेशन प्रणाली से संबंधित टीवी मॉनिटर्स भी लगाए गए हैं। आज भारत और इंग्लैंड के बीच जारी सीरीज के चौथे टेस्ट का तीसरा दिन है। मैच इस समय उस स्थिति में है जहां से किसी भी और राह बन सकती है।
पहली पारी में इंग्लैंड द्वारा 400 रनों का स्कोर खड़ा करने के बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 146 रन बना लिए। मैच के तीसरे दिन जिन खिलाड़ियों पर सबकी नजरें हैं उनमें से सबसे पहला नाम आता है भारत के दो धुरंधर बल्लेबाजों का, चेतेश्वर पुजारा और मुरली विजय का। दोनों दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पिच पर टिके थे।